दोस्तों हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एथलीट्स के कि वो आगे की ट्रेनिंग कहाँ करें, किस तरह का उनका ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए और किन किस तरह के एकेडमीज़ के साथ वो जुड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे सीनियर एथलेटिक्स प्लेयर से कि उनकी आज तक की जर्नी में किन चीज़ों का उनको सपोर्ट मिला है और कहाँ किन चीज़ों को अपना कर अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं मिस्टर ललित माथुर, जिन्होंने एक कच्चे ट्रैक से लेके ओलंपिक स्टेडियम के ट्रैक तक का सफ़र पूरा किया है और आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में और जानना चाहेंगे किस तरह से कहां कहां इनको सपोर्ट मिला, कौन सी संस्थाएं ऐसी थी जहां उन्होंने लर्निंग की और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। सर वेलकम टू द चैनल। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो स्टार्टिंग की वो किस तरह से की अपनी। एक्चुअली स्टार्टिंग मेरी स्कूल से हुई थी, स्कूल में नाइन्थ क्लास से। तो जस्ट मेरा ऐसा कुछ फोकस नहीं था पढ़ाई में, तो उसके लिए बड़ा वरीड होता है, मतलब कि कैसे कैसे क्लास से बचूं किसी चीज़ से भी। तो मैं क्लासेस बंक कर लेता सुबह, मॉर्निंग में स्कूल में ट्रेनिंग होती थी तो मैं कभी फुटबॉल कभी कोई भी गेम्स की ट्रेनिंग होती मोस्टली में मतलब पार्टिसिपेट कर लेता था। तो देन उसके बाद जो मेरे फिजिकल टीचर थे संदीप शेखावत, उन्होंने चेक किया मुझे ऐसे जैसे नॉर्मल की अच्छी रनिंग है, तो उन्होंने मेरे को स्टार्ट करवाया कि आप एथलेटिक्स ज्वाइन करो बेटा। हाँ ठीक है सर। तो उसके बाद सर ने मेरे को मतलब डेट इवेंट मैं सोच रहा 100 मीटर 200 मीटर करूँगा, इसकी इतना तो मुझे नॉलेज थी कि 100 मीटर कितना होता है, कितना डिस्टेंस होता है उसका। बट उसके बाद मुझे पता नहीं था, मैं CBSE क्लस्टर में फर्स्ट कॉम्पिटिशन था मेरा, उस मीट में मेरा नाम लिखा मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिला उसमें। तो मेरा फर्स्ट इवेंट 3 किलोमीटर का था, तो मुझे 3 किलोमीटर मुझे पता ही नहीं राउंड कितने लेने, उस ग्राउंड पे चक्कर कितने लगाने, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे ये नहीं पता कितना बड़ा होता है 3 किलोमीटर ये, और ग्राउंड भी मुझे नहीं पता कितने मीटर का, और बाद में पता लगा वो ग्राउंड था 200 मीटर का। ओके। तो उसमें धीरे धीरे मुझे ये नहीं पता राउंड कितने लगाए, फिर एक जो सीनियर एथलीट है स्कूल के उन्होंने बताया कि बस तू भागते रहना, जो तैसे आगे चल रहा तो उसको पीछे भागते रहना, उसको पकड़ के चलना। ठीक है। तो मेरे आगे जो चला था उसके पीछे चलता रहा और वहाँ पर मैंने सेकंड प्लेस अचीव करी। तो देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ CBSE नेशनल के लिए, तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे एकदम शॉक्ड हो गया कि मैंने कभी इतना मतलब वर्कआउट किया नहीं, इतनी प्रैक्टिस की नहीं 3 किलोमीटर, और मैं डेट सेलेक्ट हो गया नेशनल के लिए और सेकेंड प्लेस आई एम क्लस्टर में। उसके बाद जैसे ही कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ मेरा, घर गया मैं, घर में अपने फादर को बोला कि मैं ऐसे ऐसे कि मेरा नेशनल में सिलेक्शन होगा। पापा बोले कि नहीं कि झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कैसे होगा तेरा सिलेक्शन, तू प्रैक्टिस तो करता नहीं है, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं बोला आपको सच्ची सीरियसली मैं सेकंड आया हूँ, मेरा नेशनल में सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने कंफर्म करने स्कूल में फ़ोन किया फिजिकल टीचर के पास संदीप सर के पास, उनसे कंफर्म किया उन्होंने, उन्होंने बताया कि हाँ सेकंड आया है, अब टीम जाएगी बाहर नेशनल के लिए। तो उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को मतलब थोड़ा फोकस किया, ध्यान दिया, मॉर्निंग में ही मुझे जैसे मैं आज बताया कि मैं सिलेक्शन हो गया नेशनल में, नेक्स्ट डे मेरे को स्कूटर के पीछे रनिंग कराने ले गए। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट डे था रनिंग प्रैक्टिस में, इतना बड़ा चक्कर लगाया मैंने, वो 8 किलोमीटर की रनिंग थी, मतलब जो पापा ने बताया स्कूटर पे जो मैं फर्स्ट ट्रेनिंग की मैंने 8 किलोमीटर की रनिंग की। उसके बाद फिर मुकेश सर के पास आए हम, मेरे कोच मेरे गांव से थे, मुझे उस टाइम पता नहीं था मुकेश सर मेरे गांव से ही है। अच्छा। वो तो जिसने ज्वाइन किया मैंने ट्रैक ज्वाइन किया, उसके बाद नेशनल खेलने के बाद ज्वाइन किया मैंने, जनवरी के आसपास मैंने ज्वाइन किया था 2009 में। तो मुझे बाद में पता लगा कि मुकेश सर मेरे गांव के हैं, फिर मुकेश सर ने करवाई मेरे को ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल लेवल में स्कूल नेशनल में मेडल लिए, रिकॉर्ड बनाए इंटर जोन में मेडल, रिकॉर्ड विद रिकॉर्ड के साथ, मतलब धीरे धीरे अचीव करता रहा अपनी लाइफ में, इंप्रूवमेंट करता रहा। लास्ट ईयर था मेरे स्कूल का, उसके बाद पहले से टारगेट रहता है कि हाँ भाई लास्ट ईयर है,
अब एडमिशन भी कॉलेज में एडमिशन लगा एक मतलब ये था स्कूल लाइफ से जाके सीधा कॉलेज लाइफ में जाना एक अलग ही एनर्जी होती है कि हाँ यार कॉलेज लाइफ सुनाई सुनी है कैसी है पता नहीं है। तो मैंने पहले था कि को से सुना था बच्चों से सीनियर से कि खालसा कॉलेज अच्छा खालसा कॉलेज तो खालसा कॉलेज के बारे में सुना था तो पहले सोचे खालसा कॉलेज में ही एडमिशन लिया। खालसा कॉलेज जो आपने चूज़ किया वो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई अच्छी होती है या स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बहुत अच्छी? एक्चुअली स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए ही मैं चूज़ किया था, मैं पढ़ाई के लिए नहीं चूज़ किया। मैं ये सोचा था कि मैं वहाँ पर एजुकेशन के लिए जाऊँ, मैं वहाँ पर बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए गया था और आपका गोल क्लियर था कि स्पोर्ट्स में आगे जाना। तो उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल मैम थी खालसा कॉलेज की श्री गुरु नानक देव बहादुर खालसा कॉलेज कोलबाग, बड़ी अच्छी प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मतलब हर जगह हमें सपोर्ट किया, कॉलेज की फीस से लेके कॉलेज के हर एक मतलब इक्विपमेंट से हर एक फैसिलिटी से और रिफ्रेशमेंट डाइट हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग में फुल सपोर्ट रहा कॉलेज। हाँ फुल सपोर्ट रहा कॉलेज का और सबसे पहले फुल तो थैंकफुल राजवंश सर का दूंगा मैं कि उन्होंने हमेशा मतलब मुझे नहीं पता और लेकिन ना किया पर मेरे लिए सबसे बेस्ट राजवंश सर ने हमेशा करवाया है और जितने भी एथलीट आए मुझे नहीं पता मेरे को हमेशा सबसे अलग ट्रीट किया जाता था कॉलेज में, स्कॉलरशिप के लिए डाइट के लिए हमेशा अलग से करते थे, मैं कॉलेज आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ उससे मेरे को वो नहीं था, बस उनको ये था कि अगर मेरी रिफ्रेशमेंट जितनी बैकअप में चल रही है वो रिफ्रेशमेंट इकट्ठी जिस दिन जाऊँ उतनी मिलती है या उसके बदले में फाइनेंसली कुछ पैसे दे के या कुछ भी प्रोवाइड करवा देते या कुछ किट अगर कुछ किट की प्रॉब्लम है किट अरेंज करवा देते थे। बट हमेशा मुझे कॉलेज ने मेरा अच्छा सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम ने कभी ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं किया मेरी लाइफ में कि नियम ये नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, हमेशा अच्छा बिहेव अच्छा ट्रीट किया मेरी लाइफ में राजवंश सर ने, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो होता है उनके आत्म से ऊपर ही किया है मेरे लिए। अच्छा मैं जैसे आज के डेट में बच्चों को मैं देखता हूँ कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक कुछ इनिशियल लेवल पे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है यहाँ नहीं वहाँ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ नहीं यहाँ, मतलब वो जंप लगाते रहते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, तो वो क्या उनके करियर में से हेल्प मिल पाती है? एक्चुअली आज के टाइम में ना सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में पेशेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एथलीट होता है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस, और पेशेंस नहीं है तो बच्चा इधर उधर भागेगा ही, कभी इधर भाग रहा कभी इधर भाग रहा, क्योंकि कॉम्पिटिशन लाइफ में बढ़ता ही जा रहा है। तो एक एथलीट को दिखता ना कि ये यार अच्छा कर रहा है ये वहाँ पर कर रहा है अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उस चीज़ को कैच करता सोचता कि मैं इस कोच के पास जाऊँ शायद हो सकता है जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाए, पर ये जस्ट मैं रूमर मानता हूँ, ये उनकी सोच भी है उनकी जो बाहर के भी मतलब कुछ कहते हैं कि एक पिंच करने वाली बात हो जाती है बोलने वाली कि उसके पास ट्रेनिंग जा, बहुत सी मतलब कोच बन जाते हैं उनके, वो बोले उसके पास जा वो बोले उसके पास जा, पर मेरा कहने मतलब ये है कि एक पेशेंस नाम की चीज़ होनी चाहिए बंदे के अंदर, जब तक पेशेंस नहीं है तो बंदे के अंदर वो एथलीट नहीं बन सकता, क्योंकि पेशेंस सारे डिसिप्लिन भी होना चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन भी कोई एथलीट मैं नहीं मानता कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो आपके करियर में खालसा कॉलेज का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? मेरी लाइफ में खालसा कॉलेज का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट रहा, हर जगह मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली मुझे जैसे बाई चांस मैं बोलता सर मुझे टीम के साथ नहीं जाना क्यों मैं वहाँ पर टीम आज जा रही है तीन दिन चार दिन मैं वेस्ट करूँगा टीम के साथ जाके, तो मैं बोला सर मैं डायरेक्टली इवेंट से दो दिन पहले जाना चाहता हूँ कि मेरा जो तीन चार दिन जो वेस्ट ना हो मैं ट्रेनिंग पर फोकस करूँ ट्रेनिंग कर लूँ और इवेंट से एक दिन पहले जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अलग से ही मेरे लिए पहले अगर कुछ जैसे जितना वो कर सकते थे कि बच्चा इतना कर सकते हो तो थोड़ा बहुत मैं अपना कुछ कर लेता मेरी तरफ से, फ्लाइट टिकट बुक करवा दी कि हमें आपकी तरफ से जैसे भाई होता है कि हम थर्ड टायर ए सी का आपको फेयर दे सकते हैं तो जितना वो फेयर करते उसमें थोड़ा बहुत मिला के एक एयर टिकट करवा के मैं कॉम्पिटिशन ले जाता हूँ, तो उन्होंने जितना हुआ मेरे को बहुत अच्छे सपोर्ट किया हमेशा, और सबसे बड़ी टचूर भगवान का भी आशीर्वाद है, कोच का भी मेरी फैमिली का भी और संदीप सर का भी राजवंश सर का भी सभी का मतलब एक अच्छा आशीर्वाद रहा कि जब भी मतलब दो साल लगातार मैं कॉलेज खेला दोनों साल मैंने अच्छा किया, 2013 में इंटरनेशनल पटियाला में थी वहाँ पर 800 मीटर में सिल्वर मेडल था और उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरनेशनल हुई थी मैंगलोर उस टाइम 400 मीटर का तो दोनों इवेंट क्लैश होते तो मैं एक ही इवेंट कर सकता था, तो सर ने बोला कि भाई दो इवेंट नहीं करवाना चाहता मैं तुझसे, एक इवेंट कर एक इवेंट पर फोकस कर, उस टाइम प्रिपरेशन भी मेरी दो इवेंटों की अच्छी थी, कौन सा इवेंट कर लो पर सर को थोड़ा मेरे से ज़्यादा पता रहता कि किस इवेंट में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो सर ने बोला कि 800 मीटर काफ़ी लॉन्ग हो जाती है तो 400 पे अभी फोकस कर यहाँ पर, तो मुकेश सर ने बोला तो ठीक है माँ सर ठीक है, तो 400 मीटर पर ज़्यादा सर कॉन्फिडेंस भी था मुझे भी था कि हाँ मैं अच्छा ही करूँगा वहाँ पर
यूनिवर्सिटी जितनी भी टीम गई थी खासा को जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे सभी, उसमें मेरा ही मेडल था गोल्ड अभी रिकॉर्ड के साथ कोहली से। तो ये डेफिनेटली जैसे आपकी बातों से पता लग रहा है कि जो बच्चे वहाँ पे अपना 100% दे रहे थे उन सब के लिए कॉलेज ने एकदम आगे बढ़ के उनको पूरा सपोर्ट। हाँ, पूरा सपोर्ट किया। मैं जितना बस प्लेयर जितना आगे देख जा रहा था बढ़ रहा था जितना भी उसके ज़्यादा बहुत फोकस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे उसको, हर एक तरीके से जितना भी होती है कोहली से हेल्प कर ही रही थी। उसके बाद फिर खासा कोहली से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स गया खेलने 2015 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में साउथ कोरिया, वहाँ पर गया वहाँ पर सेमीफाइनल आउट हो गया था। एक्चुअली उस टाइम मैं टाइफाइड से उठा फिट नहीं था इतना। तो जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसके बाद क्या वहाँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं मिला? हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा और एक्चुअली कॉलेज से पास आउट होने के बाद ही फाइनेंशियल सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, ओलंपिक खेल गया तब भी मेरे को एक स्कॉलरशिप दी उन्होंने। ओके, अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी की। उसके बाद भी कई बार बीच में मुझे लगभग लगभग कभी अगर बुला लेते हैं, अब तो खैर जब से मैं जॉब पे लगा हूँ तो फिर तो मैं नहीं कहता कि कुछ इतना, पर हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। अभी भी कोई भी फंक्शन होता है तो एक इन्विटेशन अलग से भेजते मेरे पास। तो आप हमेशा मोटिवेशन, नए स्टूडेंट भी रहते होंगे जो कॉलेज में अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं, तो उनसे आपकी बातचीत होती है तो क्या कॉलेज का एटीट्यूड अभी भी उसी तरह से है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना? हाँ बिल्कुल, अभी भी ऐसे ही है। बहुत से बच्चे भी जैसे रिसेंटली बात करें तो जैसे करण है, ये भी खालसा कॉलेज अभी खालसा में था लास्ट ईयर तक, तो इनको भी अच्छे सपोर्ट कर इनसे बात होती थी कि हाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हमारे लिए और उससे ज़्यादा इम्प्रूव भी किया कुछ ना कुछ। सर, हम आपकी ओलंपिक जर्नी के बारे में डेफिनेटली एक अलग एपिसोड में पूरी बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो सर दोस्तों, जैसे कि अभी हम ललित जी से बात कर रहे थे, हमें पता लगा कि किस तरह से खालसा कॉलेज एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। उनकी जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट वो देखते हैं उसमें और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि वो एक अच्छा नेशनल लेवल पे प्लेयर बन सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायोरिटी मेरी खालसा ही थी एंड देन आई वॉज ओपन टू अदर कॉलेजेस, तो मेरी इंडिविजुअल चॉइस में यही रहेगा कि खालसा हैज़ ऑलरेडी प्रूवन इट्स नेम इन स्पोर्ट्स। तो 2010 से तकरीबन मेरा जो भी एथलीट है, नेशनल लेवल का एथलीट है या स्टेट लेवल का एथलीट है, तो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है अपना करोल बाग में, हाँ जी, तो मेरे यहाँ से बच्चे तकरीबन वहीं जाते हैं। तो कॉलेज से निकल के बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा किया, मतलब आज